शास्त्रों के अनुसार पितृ विसर्जन अमावस्या पर यदि जातकों द्वारा शास्त्रों के एक खास उपाय को किया जाए तो पितृ प्रसन्न होकर धरती लोक से अपने लोक चले जाते हैं और अपने परिजनों पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। साल 2024 में पितृ विसर्जन अमावस्या 2 अक्टूबर को होगी। इस दिन लोग अपने दिवंगत पितरों का श्राद्ध कर्म तर्पण पिंडदान आदि पूरे विधि विधान से करते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृ विसर्जन अमावस्या पर शाम के समय 16 दीपक सरसों के तेल से जलाने पर पितृ प्रसन्न होकर परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। इसको लेकर और क्या कहते हैं हरिद्वार के ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री, सुनिए। तो श्राद्ध में प्रत्येक दिन का अलग अलग महत्व है, अलग अलग तिथि के अनुसार श्राद्ध आती रहती है, परंतु जो अंतिम तिथि जो 16वां श्राद्ध होता है उसको बोलते हैं पितृ विसर्जन अमावस्या। अब सवाल ये होता है कि 16 दीपक हमें पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन सायंकाल के समय गंगा जी के किनारे अथवा पीपल के नीचे अथवा मंदिर के समीप भी 16 दीपक जलाएं, क्योंकि 16 दिन का पक्ष होता है और 16 दिन में जो भी हमारे पितृ हमारे 16 दीपक जलाने का विधान है, क्योंकि जो पीपल वृक्ष जिसको अश्वत्थ भी कहते हैं उसमें एक सबसे पवित्र वृक्ष माना जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश, उन सभी देवों का निवास है और वहां पर जब हम 16 दीपक जलाते हैं तो पितरों को शांति मिलती है, उन वो तृप्त होते हैं। साथ ही हमें जितने भी 16 दिन में कोई भी कोई त्रुटि हुई है उससे भी हमें मुक्ति मिलती है और उस दिन ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे परम पिता परमेश्वर, हे सभी हमारे पितृदेव, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे, हमारे द्वारा जो त्रुटि हुई है उसको आप क्षमा करें और हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहें और घर में हम निरोगी रहें। साथ ही जो हम ये प्रेरणा देने पीढ़ी को भी अपने आने वाली जो पीढ़ी है वे भी पैतृक कार्य हमेशा ही करते रहें, जिससे कि परंपरा विधि विधान से चलती है।